नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 नवंबर। हमारे सभी बिहारी न्यूज के व्यूअर्स को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 4 से 31 जनवरी तक होगी आर्मी भर्ती रैली। भारतीय सेना अपने भर्ती मुख्यालय जालंधर कैंट में 4 से 31 जनवरी 2021 के बीच भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। सेना में सैनिक बनने के इच्छुक 10वीं और 12वीं और 8वीं पास नौजवान 28 दिसंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 नवंबर से ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 28 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। भारतीय सेना में अपनी सेवा देने का हौसला रखने वाले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका देते हुए भर्ती के संबंध में सेना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ध्यान रहे, सेना के इस भर्ती रैली में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद प्रवेश पत्र मिलेगा। बिहार के अरवल जिले के पर्यटन स्थल के मधुश्रुवा आश्रम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मधुश्रुवा आश्रम अरवल एवं देश का एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है और च्यवन ऋषि का जन्म स्थल है। जन रीति और पुराणों में इसका महत्व दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल पर अवस्थित बाबा मधेश्वर नाथ की पूजा भगवान राम द्वारा गाय पिंड दान करने के क्रम में की गई थी। यहाँ पर पूरे बिहार में दो स्थानों पर लगने वाला मलमास मेला, जो कि प्रत्येक 3 साल पर लगता है, गिर के बाद यही लगता है, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आकर भगवान मधेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर अपनी मंगल कामना की इच्छा करते हैं। बिहार की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की शुरू हुई तैयारी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने बिहार की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए माई स्टैंप और विशेष आवरण का विमोचन किया है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी लॉन्चिंग की है। जिले में मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार, विधायक संजीव चौरसिया और नितिन नवीन ने विमोचन किया। पोस्टमास्टर अनिल कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि बिहार राज्य की संस्कृति और विरासत के महत्व को दर्शाते हुए यादगार बनाने के लिए माई स्टाम्प और विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्किल टेस्ट के लिए जारी की डेट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 के लिए स्किल टेस्ट की तारीख घोषित कर दी है। स्किल टेस्ट में वही उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में लिखित परीक्षा में सफलता पाई है। इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 के बीच करवाने का फैसला लिया है। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 से और दूसरी दोपहर 2 बजे से होगी। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 495 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,29,969 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 183 नए मामले मिले हैं। वहीं बेगूसराय में 22 नए मामले सामने आए हैं। बिहार विधान परिषद के 8 सदस्य 22 को लेंगे शपथ। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 नवंबर को शपथ दिलवाई जाएगी। शिक्षक और स्नातक कोटे से 8 सदस्य हाल ही में चुनकर आए हैं। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह सबको शपथ दिलवाएंगे। सभापति ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 22 नवंबर को दोपहर 12:30 से विधान परिषद सभागार में समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री एवं विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। 23 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल फागू चौहान 26 नवंबर को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके पहले नए सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी। छठ पूजा को लेकर आज से चलेंगे 7 इंटरसिटी ट्रेन। छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए एक से दूसरे शहर में जाने के लिए रेलवे की तरह ही 7 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि आज यानी कि 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि ट्रेन संख्या 05201 पाटलिपुत्र रक्सौल इंटरसिटी, 05202 रक्सौल पाटलिपुत्र, 03242 और 41 राजेंद्र नगर बांका, 03234 और 33 राजगीर दानापुर, 05215 और 16 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज, 03205 और 03206 पाटलिपुत्र सहरसा, पाटलिपुत्र 05549 और 50 जयनगर पटना जयनगर के लिए विशेष इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय नेपाली गायक है। वो नेपाल और भारत में एक प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं। नेपाली फिल्म में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और बॉलीवुड की दुनिया में तो हर कोई उनकी आवाज का कायल है। उदित नारायण को उनके गायन के लिए 3 देशीय पुरस्कार तथा 5 फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। बॉलीवुड में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाले उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना मोहम्मद रफी के साथ गाया था। उदित नारायण की मातृभाषा मैथिली है और वो बिहार के मिथिलांचल इलाके से आते हैं। जैसे कि नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का संबंध है, उसी तरह उनका ननिहाल भारत के बिहार राज्य में है। रामविलास पासवान के दुनिया को अलविदा कहने के बाद खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव होंगे 14 को। चुनाव आयोग ने बिहार के राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत एक सीट के उपचुनाव 14 दिसंबर को करवाए जाएंगे। यह सीट केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद खाली हुई है। 8 अक्टूबर से यह सीट खाली पड़ी है। सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। रामविलास पासवान 2019 में इस सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार चुनाव के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 7 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद जरूरी हुआ तो 14 दिसंबर को मतदान करवाए जाएंगे। आज सुबह के अर्घ के साथ समापन हो जाएगा छठ। 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व छठ पूजा की धूम हर तरफ मची हुई है। भगवान सूर्य की पूजा का महापर्व छठ पूजा के लिए आज सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, छठी मैया की आराधना का महापर्व छठ पूजा सूर्य को अर्घ के साथ ही पूरा होता है। आपको बता दें, छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तारीख होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का सूर्योदय, अर्घ और अपारण आज तय किया गया था। राबड़ी आवास पर नहीं मना छठ, तो दूसरी तरफ सीएम आवास पर दिखी पूजा की धूम। छठ पूजा के मौके पर इस साल लालू परिवार के घर पुरानी रौनक देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार के लोग यहां पहले से छठ करते आए हैं और इस बार भी उनकी भाभी छठ का व्रत कर रही है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर बने छोटे तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। हालांकि कोरोना के कारण इस बार खरना पूजा पर मुख्यमंत्री आवास में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। जाम से परेशान परिवहन निगम ने रेल प्रबंधक को लिखा पत्र। सड़क जाम से परेशान बिहार राज्य परिवहन निगम के सचिव संजय अग्रवाल ने दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर कई मार्गों पर ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। अग्रवाल ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ट्रेनों के परिचालन नहीं होने के कारण छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में लोग बस एवं निजी वाहनों से आवागमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाईपास एवं अन्य सड़क मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर पटना के गांधी सेतु पर जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार के लोगों के लिए 10 दिसंबर की तारीख होगी शुभ। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, राजधानी पटना को जाम से राहत दिलवाने के लिए कोइलवर पुल, दीघा एलिवेटेड पुल और एग्जीबिशन रोड लिंक पुल का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसके बाद आर ब्लॉक दीघा फोर लेन सड़क भी जल्द ही चालू होने वाला है। इसकी जानकारी पथ निर्माण सहित कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राज्य के 3 महत्वपूर्ण पुलों को आवागमन के लिए ट्रायल बेसिस पर खोल दिया गया है। इनमें 6 लेन वाले कोइलवर पुल, दीघा एलिवेटेड पुल और एग्जीबिशन रोड लिंक पुल शामिल है। कोइलवर पुल पर ट्रायल के तौर पर परिचालन शुरू किया गया है। 10 दिसंबर को इन पुलों का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद राजधानी पटना के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। सोमवार से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत। 17वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। 23 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, 17वीं विधानसभा का सत्र 23 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर के रूप में सभी सदस्यों को शपथ दिलवाने वाले हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है।
इस्तीफे को लेकर मेवालाल चौधरी ने दी सफाई। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी। साथ ही कई तरह की बयानबाजी अभी तक जारी है। हालांकि अब मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा देने के पीछे के कारण को बताया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने सफाई दी है कि नीतीश कुमार की छवि को लेकर ही उन्होंने यह फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मेवालाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही देर बाद ही शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और खुद को घर में बंद कर लिया था, क्योंकि लगातार विपक्षी दल उनके तरफ से किए गए घोटालों की चर्चा उठा रहे थे, जिसके कारण सरकार पर ही भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। व्यंग भरे अंदाज में तेज प्रताप यादव ने की तेजस्वी की तारीफ। बिहार के मंत्रिमंडल बनने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। मेवालाल के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव ने मजाकिया अंदाज में अपने भाई तेजस्वी यादव की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जियो मेरे खिलाड़ी, पहली बॉल में ही मजबूत विकेट को बैक टू पवेलियन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मेवालाल यादव पर लगातार उठ रहे सवालों के कारण ही गुरुवार को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उठाने वाले मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार के कुछ जिलों में बूंदाबांदी की बढ़ी संभावना। बिहार में मौसम अभी भी शुष्क बना हुआ है, हालांकि दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार में मौसम में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने की भी कई जगहों पर संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बूंदाबांदी के बाद रात के तापमान में 4-5 डिग्री तक लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जदयू ने की तेजस्वी के इस्तीफे की मांग। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पल भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के आरोपी को बर्दाश्त नहीं करते। इसी का नतीजा है कि मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा है। यदि तेजस्वी यादव की नैतिकता इतनी झकझोर रही है तो वो भी इस्तीफा दे दे, मिसाल पेश करे। उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अवैध संपत्ति, जमीन कब्जा, आय अधिक संपत्ति घोटाला, घपला सहित दर्जनों मामले दर्ज है। तेजस्वी यादव दूसरों का खुलासा छोड़ अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर अडिग रहने वाले व्यक्ति है। राजकुमारी ने चिराग पासवान को बताया अपना पुत्र। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी ने चिराग पासवान को अपना पुत्र बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर जनता ने विश्वास किया और वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने अच्छा काम किया। नीतीश और लालू दोनों अच्छे हैं, दोनों पर मेरा विश्वास है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग को इतनी सीटों पर नहीं उतरना चाहिए था, बहुत सीटों पर उतर गए थे, इसलिए ऐसा हाल हुआ है। बढ़िया काम करे। राजकुमारी देवी ने कहा कि चिराग उनका बेटा है, माँ दो है पर पिता तो एक ही थे। चिराग अच्छा है बुरा है लेकिन मेरा है, मेरा आशीर्वाद हमेशा चिराग के साथ है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के ही दिन ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आज ही के दिन आजादी के बाद 1947 में देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। आज ही के दिन भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने 1962 में संघर्ष विराम का ऐलान किया। 1963 में आज ही के दिन भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1970 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। मनोज बाजपेयी के नाम से ट्विटर पर बना फेक अकाउंट। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी के नाम फेक अकाउंट बनाया गया है, जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट को लेकर फैंस को सतर्क किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ट्विटर पर उनके नाम से एक फेक अकाउंट मौजूद है। मनोज बाजपेयी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उनके नाम पर एक फेक आईडी नजर आ रही है। शेयर किए गए आईडी में मनोज बाजपेयी का नाम दिखा हुआ है और उनकी फोटो भी लगी हुई है। मनोज बाजपेयी ने कैप्शन में लिखा है, यह फेक अकाउंट है, सतर्क रहे, सावधान रहे। इस पर फैंस अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट्स कर रहे हैं। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर के लिए रोल किया नया फीचर। इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए अपडेट लेकर आता रहता है, जिसके बाद इंस्टाग्राम ने हाल ही में कुछ अपडेट किए हैं जो नए इंस्टाग्राम पर मैसेजिंग अनुभव का एक हिस्सा है, यानी कि इंस्टाग्राम पर ही मैसेंजर ऐप का अनुभव। इसमें वॉच टुगेदर, चैट थीम और वैनिश मोड को शामिल किया गया है, जिसे कुछ दिनों पहले मैसेंजर में पेश किया गया था। वॉच टुगेदर फीचर के साथ आप वीडियो चैट में वास्तविक समय में IGTV रील्स और टीवी शो, फिल्मों और ट्रेंडिंग वीडियोज में ट्यून कर सकते हैं, जिसको लेकर इंस्टाग्राम ने अपना आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है। विराट कोहली के पेटर्निटी लीव पर बोले पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले बॉर्डर गवास्कर सीरीज, साथ ही कप्तान विराट कोहली के लिए गए
पैटर्निटी लीव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विराट के पैटर्निटी लीव पर जाने के बाद टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, इस बारे में अभी तक टीम मैनेजमेंट कोई फैसला नहीं कर सकी है। अगर अजिंक्य रहाणे को कप्तानी दी जाती है तो इससे उन पर दबाव बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उनका खुद का दिमाग इसको लेकर अभी साफ है, कौन पहले मैच में ओपन करेगा और कौन विराट के जाने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,830 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,830 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। बिहार के पंचायत और ब्लॉक में इन पदों पर होगा नियोजन। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मुहैया करवाने को लेकर जबरदस्त काम हो रहा है। सरकार ने सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर रिक्त की जानकारी दी है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग सभी पंचायतों में कार्यपालक सहायक, प्रखंड में कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई तत्काल शुरू करने का निर्देश दे चुके हैं। बिहार में पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 18 सितंबर 2020 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की 27वीं बैठक हुई थी। मीटिंग में जिलों में कार्यपालक सहायक का पैनल नहीं रहने की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यहित में संबंधित प्रमंडल के निकटवर्ती जिले के पैनल से कार्यपालक सहायक का नियोजन किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुनील डायमंड, अर्पित कुमार, हमारा इंडिया गुड, विपुल तिवारी, संदीप गुप्ता, अब है आज्ञा, अजहर खान, सोनू वर्मा, रजनीश कुमार, मिथिलेश विद काजल, जाहिद हुसैन, रामकिशन राम, सुरेंद्र शाह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मेवालाल चौधरी का इस्तीफा देने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।